नमस्कार दोस्तों, क्विक फिक्स प्रो की एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आपको मेरी पिछली वीडियोस बहुत ही पसंद आई होंगी। मेरे चैनल को बहुत अच्छा रिस्पांस देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही बेसिक है बट बहुत ज़रूरी है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने बिल्कुल नई कार ली है या फिर उनको अपनी कार की मेंटेनेंस के बारे में बहुत ही कम जानकारी है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा रेडिएटर कैप खोलने के बारे में, और इस वीडियो के बाद में अगली वीडियो हम बनाएंगे ओवर हीटिंग के इश्यूज के बारे में। तो दोस्तों, अभी हम आ गए गाड़ी के इंजन बे में, और अभी जो आपके सामने ये चमकता हुआ ढक्कन दिखाई दे रहा है, ये है आपका रेडिएटर का कैप। तो दोस्तों, इसको खोलने का सबसे बड़ा प्रिकॉशन ये लेना है आपको कि इसको कभी भी जब आपकी गाड़ी गर्म हो तब इसको खोलना नहीं है। तो खोलने के लिए आप जब कभी कोशिश भी किए होंगे तब आप देखे होंगे, जैसे मैं घुमाता हूँ इसको तो एक जगह आके ये अटक जाता है, यहाँ पे आके अटक जाएगा ये। तो इसको पुश करके खोलना नहीं है, नहीं तो प्लास्टिक पार्ट जो आपका रेडिएटर का है वो उसको तोड़ देगा और आपको रेडिएटर असेंबली पूरी चेंज करनी पड़ेगी। इसको करना क्या है, थोड़ा सा पुश कीजिए नीचे की तरफ और हल्का सा और घुमाइए, जब इस पोजिशन में आ जाइए तो आराम से ये खुल जाएगा। तो दोस्तों, अभी आप देखेंगे मेरे रेडिएटर के कैप जो है उसमें कुछ स्लज जमा है, राइट, ये मिल्की सा सब्सटेंस है। तो ये नॉर्मली लोगों को पता है कि जब आपकी गाड़ी की हेड गास्केट लीक हो जाती है तब आपका इंजन ऑयल आपके कूलेंट के साथ में मिक्स होता है वो, और आपके जो रेडिएटर की कैप है वहाँ पे जाके ये मिल्क शेक टाइप का सब्सटेंस जम जाता है। तो इसके बारे में बात करूँगा मैं अगली वीडियो में कि पूरा जो गाड़ी की ओवर हीटिंग इशूज़ होती हैं उनको कैसे डायग्नोस किया जाता है और कैसे रिजोल्व किया जाता है। आप देखेंगे मेरा कूलेंट का लेवल एकदम सही है, मतलब बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरा। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे चेक करना है कि सही में अगर आपकी हेड गास्केट लीक है या नहीं है। तो दोस्तों, आज हमने ये देखा कि हमारा रेडिएटर का जो ढक्कन है उसको खोलने का तरीका, प्लस मैं आपको बताता चलूँ ये कैप आपकी है लगभग 270 रुपये की, अगर ये ख़राब हो जाती है तो मैं आपको ये भी बताऊँगा अगले वीडियो में कि कैप का फंक्शनिंग कैसे है, मतलब कैसे फंक्शन करती है। प्लस अगर आपका कैप खोलते वक्त ये रेडिएटर का जो हिस्सा है प्लास्टिक का, अगर आप इसको सत्यानाश कर देते हो तो ये समझ लो आपका कम से कम 2,500 से 3,000 रुपये का खर्चा आ गया। और ये जो मिल्की सब्सटेंस आप मेरे हाथ में देख रहे हैं इस वक्त, ये बहुत ही खतरनाक होता है आपके इंजन के लिए। तो मैं अगली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इससे कैसे निपटा जाए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ जो नए लोग हैं उनके लिए ये जो आज मैंने वीडियो बनाया था ये मददगार साबित होगा। मेरे वीडियोस को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं फुल डिटेल्स के साथ में इंजन के ओवर हीटिंग इश्यूज़ के बारे में, रेडिएटर कैप पे जो स्लज जमा हो जाता है उसके बारे में, प्लस जो आपकी हेड गास्केट लीक होती है उसके बारे में हम अगली वीडियो में पूरी डिटेल के साथ में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।